हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम इस वीडियो में आ गए हैं यूनियन बैंक के साथ। यूनियन बैंक पे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये वीडियो ऑन डिमांड है बेसिकली, और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मुझसे रेगुलर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और इसी वजह से मैं इनके क्वेश्चन को शामिल भी करता हूँ अपने वीडियोज़ में। अगर आपकी भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, और आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ईच क्वेरीज। इधर मैं उस पर कोई वीडियो बना दूँ या फिर मैं उसको कमेंट सेक्शन में भी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ जनरली। तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, और इसमें एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे दूँ कि ये जो चार्ट है ये मेरे भी रडार पे है, और इसमें मैंने भी पोजीशन बना रखी है। पोजीशन मैंने 90 रुपये के आसपास बनाई थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इससे पहले कि हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज इस तरह का इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म और इंटरैक्टिव चैनल आपको बहुत ही रेयरली मिलेगा और बहुत ही कम मिलेगा, जहाँ पर कि आपकी क्वेरीज भी सॉल्व होती हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी चीज़ पे मैं चार्ज नहीं करता हूँ, कोई भी कोर्स नहीं बेचता हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल जो कंटेंट है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ऑन दिस, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो डू गिव मी थम्स अप एज वेल। अब इस पे आते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या अच्छा लग रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 3 टाइम फ्रेम पर बात करेंगे हम लोग, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में जो ये डेली का चार्ट है, इसमें ये एक ब्रेकआउट आया है जो कि आया है 95 रुपीज़ के ऊपर। 95 रुपीज़ के ऊपर जो ये ब्रेकआउट आया है काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, और इसका जो लो बनाया था इसने 62 रुपीज़ बनाया था, तो ऑलमोस्ट 30 रुपये, तो 120 रुपये के आसपास का ये इसमें टारगेट दिखाई देता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 95 रुपीज़। तो ये तो हो जाता है शॉर्ट टर्म का व्यू। तो 95 का स्टॉप लॉस, 120-125 का टारगेट, ये आपका सबसे शॉर्ट टर्म वाला व्यू हो जाता है। क्या अभी पोजीशन बना सकते हैं? आप पोजीशन बना सकते हैं, 100 के आसपास मिले तो बनाइए, जितना 95 के नज़दीक जाए उतना बनाइए, एक्यूमुलेट कीजिए बेसिकली 95 रुपीज़ तक। 95 के नीचे, 95-90 के आजू बाजू अगर जालने लगे और आपको लगे कि हाँ ये नीचे जा रहा है और ये फिसल रहा है, इन पोजीशंस को सस्टेन नहीं कर पा रहा है 95 का लेवल, तो फिर उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको निकलना पड़ेगा। तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडियम टर्म टारगेट। ये जो मैंने आपके सामने वीकली का चार्ट लगाता हूँ, मैं आपके सामने वीकली के चार्ट में भी आप देखेंगे कि मीडियम टर्म में जो एक लेवल है जो है 100 रुपये का लेवल, यहाँ पर देखिए 100 रुपये पर कितनी बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, और रेजिस्टेंस फेस करके अब ये 100 रुपये के ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो 100 रुपये का जो टारगेट है, 100 रुपये का जो जो लेवल था वो भी काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ऑलमोस्ट 2018 और 2019 में इसने ट्राई किया, बट ये निकाल नहीं पाया और फिर ये फिसल गया, नीचे आ गया, और उसके बाद ये जो नीचे आया है उसने नीचे की जो जर्नी देखी वो देखी कुछ 23 रुपये तक। तो ये समझ लीजिए 20 से लेके 100 के बीच में 80 रुपये, मतलब 180 रुपये का टारगेट इसके मीडियम टर्म दिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, मीडियम टर्म आपका नज़रिया है, तो 180 रुपये तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। और मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा भी इस कि यूनियन बैंक में अगर आप रुकते हैं और इसने अपवर्ड मोमेंटम को जारी रखा तो किस तरह से ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है यूनियन बैंक ने। नाउ इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? इसमें स्टॉप लॉस अगर आप मीडियम टर्म का देखते हैं तो मीडियम टर्म का टारगेट स्टॉप लॉस भी आप इसके 20 डेमा को लगा लीजिए, जो कि आता है 90 रुपये। इसीलिए मैंने बोला था 90 से 95 रुपये के आसपास का अगर आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो अच्छा खासा स्टॉप लॉस आपके लिए बन जाता है। तो ये हो जाता है मीडियम टर्म का टारगेट। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ पोजीशन को मंथली, चार्ट को मंथली में, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है मंथली के चार्ट में। मंथली के चार्ट में आपको दिखेगा तो ये जो आपके सामने मैंने जो रेड कलर की लाइन डाली हुई है, ये लाइन डाली है कुछ 96-97 रुपीज़ के आसपास। 96-97 पे क्या क्या है, इसमें क्या खास बात है 96-97 पे? तो आप देखेंगे यहाँ पर ही इसने रेजिस्टेंस लिया, यहीं पर ही सपोर्ट लिया 96-97 के आसपास ही। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया और कितनी बार सपोर्ट लिया। देखिए सपोर्ट देखिए कितनी बार लिया है इसने, यहाँ पर ही 4
5, 6, 7 और यहाँ पर जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से नीचे गिरा। तो अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि 95, 96, 90 से 95 का जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉप लॉस, वो तीनों ही टाइम फ्रेम्स पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही उम्दा ये स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि जब ये चलना शुरू होता है 95, 96 से, जब ये चला जो कि आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2008 में, यहाँ से जब ये चलना शुरू किया तो इसने कितनी कहाँ तक की जर्नी दिखाई अपनी, तो इसने जर्नी दिखाई 400 रुपये तक की। आप देखिए 95 से लेके 97 से लेके 100 रुपये मान लीजिए, मोटा मोटा 100 रुपये से लेके इसने जो जर्नी दिखाई वो दिखाई 400 रुपये तक, ये देखिए 417 रुपये तक, और ये दिखाई आपकी 2010 अक्टूबर। तो कितना टाइम लगा इसको, अगस्त 2008 से लेके अक्टूबर 2010, मतलब ऑलमोस्ट 2 सवा 2 साल में इसने ये 4 गुना कर दिया पैसा। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसने सिर्फ 2 सवा 2 साल लगाए और पैसा 4 गुना हो गया। इसके बाद फिर इसने नीचे की ट्रेजेक्ट्री दिखाई, नीचे की ट्रेजेक्ट्री दिखाने के बाद इसने कहाँ पर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया इसने 150 पर, बट 150 से फिर ऊपर चला बट 270, फिर उसके बाद नीचे ट्रेजेक्ट्री में फिर से 95, 97 के ऊपर सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बनाया। ये आपके सामने डबल बॉटम दिख रहा होगा, ये देखिए ये डबल बॉटम दिख रहा है आपको, डबल बॉटम बनाया और वहीं पर ही सपोर्ट लिया जहाँ पर मैंने बताया 96, 97, वहीं पर सपोर्ट लेके फिर कहाँ तक चला 250, तो 2.5 गुना हो गया पैसा। फिर इसने नीचे आया और यहाँ से फिर इसने चलना शुरू हुआ तो फिर अगला पड़ाव इसने दिखाया 189, 190, 100 से 190। तो मैंने जो आपको बताया था 180 का टारगेट, वो मतलब बहुत रियलिस्टिक टारगेट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अचीव नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको संयम रखना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको स्टॉप लॉस पे निकल जाना है सो देट आपका पैसा फंसे नहीं, क्योंकि अगर जब इसने ये तोड़ा था लेवल 95, 96 का और उसके बाद ये देखिए इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया इस लेवल पे और फिर ये नीचे की ट्रेजेक्ट्री देखी इसने और 24 रुपये तक भी गया, ये तो 97 से नीचे भी उसी हिसाब से गया, बट ये नीचे वाली जो जर्नी है आपको दिखेगी वो बहुत कम है, ज़्यादातर टाइम इसने इस 97 के ऊपर ही बिताया है, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे तो कितना टाइम, ऑलमोस्ट 2018 से लेके और अब 2023, 5 साल की ये जर्नी रही है। 5 साल की जर्नी में अब ये ऐसा लग रहा है कि इसमें काफ़ी अच्छा अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे ये जाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये यहाँ से चलना शुरू हुआ तो आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखेगा आने वाले टाइम में। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आप फ्यूचर में भी देख पाएँ। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।